लास्ट क्लास से सर बहुत मेहनत लग रही है ना और आप समझ ही सकते हैं।
The program is getting delayed. Some people who might be a keen observer, who might be observing me. कई तरह के लोग मतलब पढ़ते हैं साथ साथ कई टीचर उनके फेवरेट हो जाते हैं तो कुछ टीचर के बारे में भी ज्यादा वो जान जाते हैं ऑब्जर्व भी करते रहते नहीं जैसे तो इफ यू वुड हैव ऑब्जर्व मी आई माय सेल्फ डिक्लेयरिंग दिस थिंग सम ऑफ यू माइट हैव सीन आल्सो दैट आई फोकस मोर ऑन द स्टूडेंट्स हु माइट बी फ्रॉम साउथ इंडिया और मे बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मे बी फ्यू अमॉन्ग देम माइट नॉट बी नोइंग दिस थिंग और few among them might not be happy with this but my sole intention for focusing on such students who are from south or from northeast was simply that occasionally I speak Hindi also so I have a guilt feeling that this statement might not have been conveyed to them because of my language because of my Hindi but I'm also declaring and I'm also stating this thing this is just a This is quite natural. Okay, all of a sudden, जैसे चोट लग जाएगी, ठीक है? तो मैं oops नहीं बोल सकता. It is like this. I hope you understand. I don't think like that because I'm discriminatory or I'm discriminating. Okay, तो नहीं निकलता oops. निकलेगा अरे यार बहुत बेइज्जत हो रहा है. ऐसे निकलता. That had been the reason. In every class, I have been focusing more to the people who have been from North East or from South India. And for the people of UP and Bihar, I just don't care. I'm providing the explanation also. I don't care means what. I know that they can very well relate with me. Because मैं उसको तुरंत हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कुछ भी मैं लैंग्वेज बोलूँगा, वो तुरंत समझ जाएंगे because of the बॉडी जेस्चर एंड वो समझ जाते हैं बट साउथ इंडियन स्टूडेंट्स में या नॉर्थ ईस्ट के लोगों में ऐसा नहीं है तो जब मैं इनको देखा आई कुड हैव एंडेड द प्रोग्राम बट दिस बॉय से कि वो गिटार लेके आ गए और जब इनको देखा तो होपफुली आई थॉट कि ही माइट बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट तो अब अगर चार पांच लोग को बहुत पढ़ना था बुरा मान गए तो किसी और क्लास में आ जाना थैंक यू सो मच सर सर जाते सब करने के बारे में बोला ही एक क्वेश्चन है आपने खुद लिखा है मतलब जो लड़कियों के लिए भी एक पोएम डेडिकेटेड थी उसमें या जो हिंदी था मतलब बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था आपने और यहाँ पे एक हिंदी में इंटरेस्ट लेने वाला बच्चा भी है शायद एम राइट है तो कैसा लगा यार आपको मैं आपसे फीडबैक सुनना चाहता हूँ अच्छा ना हिंदी काफी अच्छी जिसने भी लिखा है आपने लिखा है कुछ लाइंस आपने कंट्रीब्यूट किया जो भी हो बट बहुत ही अच्छी पोएम थी जो समझ पाया होगा उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आया क्योंकि वो हिंदी में शौक रखते हैं ठीक है वो एक बच्चा है कभी पूछा होगा मैंने क्लास में मेरे को सब याद रहता है 427 बैच से है ठीक है पहले 27 में क्लास अटेंड करते मैं कुछ भूलता नहीं मैं ये भी नहीं भूलता मिस अर्पिता पिछली बार आप दोनों दोस्त अलग अलग सीट पे बैठे थे उसके पीछे एक लड़का है वो कर्नाटक से मैं कुछ नहीं बोलता और ये एक लड़का ये कहीं मिलेगा सर शायरी सुना दो खाली अकेले बोला तो मंजीरा If someone would meet you in life and would ask how is Parmar sir, how is his classes, तो कुछ बोल देना classes को पर। ये नहीं कि how is Parmar sir, how is his classes, शायरी बहुत अच्छी है। बता देना कि हम पढ़ाते हैं। Thank you so much sir. जब जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा लाइक आप बोलते हो कि यूपी बिहार वालों को बस अगर देखा तो उनको देख के ही हिस्ट्री आ जाती है वो रियलिटी है आई एम फ्रॉम बिहार बेसिकली फ्रॉम पटना तो आपको और ओझा सर को देख नहीं लगता अब हो गया जीवन जीने का ना मंत्र बता दिया सर ने बाकी तो हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ नहीं तो लिट्टी चोखा लगा लेंगे सो आवर नेक्स्ट कोफाउंडर इज मियाम
from B25 batch. So please may I come on stage. And this will be the last. This will be the Hello. This will be the last performance. So thank you so much for your patience. और जिस जिसकी यूपीएससी की तैयारी थोड़ी सी खराब हो गई है उसके लिए सो सॉरी. पकड़ के बैठना पड़ेगा.